वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जंग में जश्न बहारा का मेला लगा था, तो ये कैसे हो सकता है कि हम लोग मेला देखने ना जाएं? तो हम लोग पहुँच गए मेला देखने अपनी टीम के साथ, मतलब कि अपने बच्चों के साथ। तो मैं यहाँ पर मेला दिखाने बच्चों को ले आई। यहाँ पर बहुत ही करीब हमारे घर के ये पार्क है, हम चल के बल्कि चले जाते हैं, इतना करीब है। यहाँ पर मैं वॉक करने भी आती थी किसी ज़माने में। तो ये देखें, यहाँ पर सारे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने की है जंग में। जो घरेलू ख़वातीन हैं जिनमें हुनर है, वो अपने स्टॉल यहाँ पर लगा सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ने ये गाड़ी देख ली, वो तो हो गए पागल और कहते हमने तो लेनी लेनी है। तो फिर क्या मैंने किया, मैंने अबू बकर और हादी को बिठा दिया, और इशाल का दिल था कि बस जल्दी जल्दी से ये लें उतरें और इसके बाद मेरी बारी है। तो ये बिल्कुल चूंगे से जितना चक्कर था, जिसका ये 100 रुपया ले रहे थे, तो बल्कि 150 ले रहे थे। तो मैंने 100 रुपया करवा के इन बच्चों को खुश किया। तो ये हादी को चलानी नहीं आ रही थी और अबू बकर को वो दे नहीं धा रहा, तो बस जैसे भी चला रहा था टेढ़ी मेढ़ी सी, उन्होंने अपना शौक पूरा कर लिया। बच्चों के ऐसे शौक पूरे कर देने चाहिए कभी कभार, हर शौक भी नहीं पूरा होना चाहिए और हर शौक रह भी नहीं जाना चाहिए। तो इस वजह से मैं बच्चों को ऐसी छोटी मोटी जो एक्टिविटी होती है या कहीं भी कोई ऐसा फंक्शन मेला जो भी होता है, मैं इन्हें ज़रूर दिखाने लेकर जाती हूँ, बच्चों को बाहर निकाला करें ताकि उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और वो चीज़ों को देखें, लोगों को देखें और खुश हों। तो अब मैं अपने खूबसूरत पाँव लेकर आगे जा रही थी, तो आगे मुझे यहाँ पर पौधे नज़र आए, बहुत ही प्यारे फूल थे, बहुत खूबसूरत। वाकई लग रहा था कि हम जश्न बहारा के मेले में आए हुए हैं, बहुत प्यारे थे फूल। मुझे मेरा तो दिल कर था सारे उठा कर ले जाऊँ, मुझे बहुत पसंद है कि मेरे घर में हर तरह का फूल, हर तरह का के लिए। तो ये था यहाँ पर भूत बंगला और ये यहाँ पर एक झूला था घोड़े वाला। ये बच्चों ने कहा कि हमने लेना है, मैंने फिर टिकट्स ली और मैंने अपने बच्चों को बिठा दिया। हाथी तो बहुत ही डरता है हर चीज़ से, तो इसने तो बिल्कुल भी नहीं लिए। हाथी वैसे ही चूज़ा हर वक्त मेरे साथ जुड़ा रहता है। तो ये यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें घोड़े पर कितना बड़ा जो है ना वो लड़का बैठा हुआ है। मुझे तो ये डर था कहीं ये झूला ना टूट जाए, शुक्र है ये झूला बच गया। तो बड़े लड़कों को चाहिए ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखा करें बच्चों का, बच्चों के झूलों पे खुद ना बैठा करें। तो ये देखें बड़ी खुशी से ये बैठकर और टिकटॉक बनवा रहा था। तो खैर बच्चों ने बहुत इंजॉय किया इस झूले को भी और बहुत मज़ा आया उन्हें। और यही बस होता है कि बच्चे ज़रा थोड़ा सा इंजॉय कर लें, खुश हो जाएं, बस और हमें क्या चाहिए होता है। तो यहाँ पर एक भूत बंगला था जो मैंने आपको पीछे भी दिखाया, इसमें मुझे अभी भी हंसी आ रही है, इतनी फनी आवाज़ें निकाल रहे थे वो खुद ही, और कि उससे तो कोई बच्चा बच्चा भी ना डरे तो बड़े ने क्या डरना है। तो यहाँ पर बहुत ही रश था, बड़े ही शोर शराबा था, तो हम भी चले गए कि हमने कहा पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे। देखा तो ये गेम थी वहाँ पर, और जिस पे वो रिंग्स आप फेंकते थे वो चीज़ आपको गिफ्ट में दी जाती थी या जैसे भी है। मुझे तो इस गेम की समझ नहीं आई तो हमने ली भी नहीं है। वहाँ पे लड़कों का भी काफ़ी रश था, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो ऐसे ही पीछे से बना ली और मैंने ये गेम वगैरह नहीं खेली। तो फिर हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर ये देखें म्यूज़िकल शो की तैयारियाँ हो रही थी, क्योंकि रात को शो होता है, दिन में इतने लोग नहीं थे, रात में ज़रा रश होता है, तो रात में मैं अकेली तो नहीं आ सकती थी। तो इस वजह से मैं बच्चों को दिन में ले आई। और यहाँ पर सारे खाने पीने के स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, जो लोग अपने घर से बनाकर लाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगा सकते थे। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो यहाँ पर हमने बैठकर दही भल्ले खाए, सूफी के दही भल्ले होते हैं लेकिन इन्होंने गोलगप्पे लगाए हुए थे, तो हमने कहा चले हमें गोलगप्पे खिला दें। तो हमने एक प्लेट यहाँ पर गोलगप्पे मंगवाए और हमने बहुत इंजॉय किया, और यहाँ पर एक गोलगप्पा हमारा गिर भी गया था। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम बच्चों के साथ जाएं और ये कोई चीज़ गिरा के ना आए या खुद ना गिर जाए। आशा की तरह गिर गया और फिर उठा और भाग पड़ा बाहर को, तो मैं इन्हें रोकती रह गई।
तो खैर हम बस यहाँ से जा रहे थे घर। मेरी हो गई थी बस इन बच्चों को संभाल संभाल के, इसीलिए मैं इन्हें कहीं लेकर जाना पसंद नहीं करती। तो ये देखें, ये सड़क पे भाग रहे थे, बिल्कुल हमारे घर के करीब है, तो हम पैदल चल के ही हम लोग गए थे। तो यहाँ पर एक और पार्क है, ये जहाँ पर आई लव झंग लिखा हुआ है, ये भी एक पार्क है। यहाँ पर भी बहुत अच्छे झूले होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन मैं इन बच्चों को वहाँ पर नहीं लेकर गई। तो यहीं पर ये देखें बंदरों वाली हरकतें कर रहे थे। तो मैं अब जा रही हूँ घर। यकीनन आपको ये भी व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।